नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुअर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। कभी कभी जब आप ट्रीटमेंट के लिए जाते हो, आपके गायनाकोलॉजिस्ट या रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइनोलॉजिस्ट बोलेंगे कि उस महीने आपको वो ट्रीट नहीं कर सकते। ये यूजली ये ट्रीटमेंट डे टू या डे थ्री यानी कि पीरियड के दूसरे दिन या तीसरे दिन शुरू किया जाता है, चाहे वो ओवुलेशन इंडक्शन हो जहाँ आपके अंडों को बड़ा करके आपको नेचुरली ट्राई करने के लिए बोला जाता है, या IUI हो जहाँ आपके हस्बैंड के स्पर्म्स को लेके गर्भ में डाला जाता है आपके, या IVF हो, यूजली डे टू या डे थ्री। हाँ, ये ज़रूर है कि ओवुलेशन इंडक्शन या IUI कभी भी कर सकते हैं, पाँचवें दिन छठे दिन भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि टैबलेट्स देकर आपके एक के ग्रोथ के मुताबिक भी किया जा सकता है, पर IVF जरूर डे टू या डे थ्री को ही स्टार्ट कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके डॉक्टर बोल देंगे कि इस महीना आपका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं। ये यूजुअली देखा जाता है कि ओवरीज में सिस्ट है जिसके कारण हम आपको इस महीना ट्रीट नहीं कर पाएंगे। पहले सिस्ट को ठीक करना होगा, कम करना होगा, उसके बाद ही आपको ट्रीट कर सकते हैं। तो ये सिस्ट होते क्या हैं और ये क्यों ट्रीटमेंट में बाधा डालते हैं और क्यों डॉक्टर्स आपको पोस्टपोन करने के लिए कहते हैं, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सिस्ट अन्य प्रकार के होते हैं। एक होता है फंक्शनल सिस्ट यानी कि काम आने वाला सिस्ट, तो वो दो तरह के हैं, फॉलिकुलर सिस्ट और कॉर्पस लूटियल सिस्ट। फॉलिकुलर सिस्ट जो है ओवरीज में होता है और ये जैसे जैसे बड़ा होता रहता है उसके अंदर का एग भी बड़ा होता रहता है, पर कभी कभी ये बहुत बड़ा हो जाता है लेकिन रिलीज नहीं होता। इसकी वजह से ईस्ट्रोजन नामक जो हार्मोन है वो बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से आपको ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता और ये बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण रिलीज भी नहीं होता है। तो फॉलिकुलर सिस्ट भी एक हद तक बड़ा होने के बाद रिलीज होता है अंडे के साथ। अगर वो नहीं होता है तो ईस्ट्रोजन हार्मोन को बहुत बड़ा कर रहा होता है जिससे एग ओविलेट नहीं होता है। ऐसे पेशेंट्स में यूजुअली ओविलेशन लेट होता है, पीरियड्स लेट होते हैं और तो इसीलिए वो कब ट्राई करें उनको समझ में नहीं आता है। अक्सर आपने ये देखा होगा कि PCOS पेशेंट्स में ऐसा देखा गया है। एक और होता है कॉर्पस लूटियल सिस्ट। जब अंडा रिलीज हो जाता है और उस वो जो सिस्ट रह जाता है ओवरीज में उसे कॉर्पस लूटियल सिस्ट कहते हैं। वो प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन को रिलीज कर रहा होता है। थोड़े दिन के बाद रिलीज होने के बाद जब वो प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम या गर्भ को प्रिपेयर कर देता है और उसका रोल हो जाता है तो वो कॉर्पस लूटियल सिस्ट डीजेनरेट हो जाता है यानी कि निकल जाता है। लेकिन अगर किसी हालतवश किसी कारणवश वो नहीं डीजेनरेट हो रहा है तो ये प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता ही रहता है, प्रेगनेंसी नहीं आती है बट पीरियड भी नहीं आता है, तो ये भी अच्छा नहीं है, जिसके कारण प्रेगनेंसी नहीं होने के या पीरियड नहीं होने के चांसेस भी होते हैं और आपके डॉक्टर ये देखेंगे कि ये प्रॉब्लम हो तो नहीं रहा है। दूसरा होता है एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट। जो एंडोमेट्रियम में यानी कि गर्भ का जो टिश्यू होता है वो कहीं और अगर बढ़ रहा होता है तो उसे एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के प्रभाव से वो भी बढ़ के ब्लीडिंग होना शुरू होते हैं। जब ये ओवरीज के ऊपर होता है ऐसा टिश्यू तो उसे एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट कहते हैं और उसके रहने के कारण जो ओवरीज में अंडे हैं उनका क्वालिटी भी कम होता रहता है, तो ये अच्छी बात नहीं होती है। एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट में खून पस का जमा होने की वजह से पेन भी ज़रूर होता है बट ओवरीज का क्वालिटी भी कम होता रहता है, अंडों का क्वालिटी भी कम होता रहता है। फिर होते हैं डर्मोइड सिस्ट, फिर होते हैं सिस्ट एडिनोमास। ये सारे देखते हुए डॉक्टर डिसाइड करेंगे वेदर आपको ट्रीटमेंट देना चाहिए या अगले महीने के लिए पोस्टपोन करना चाहिए। इसके बारे में अगर आप और जानकारी चाहते हैं, आपको सिस्ट बार बार बताया गया है और ईस्ट्रोजन बहुत हाई बता रहे हैं और आपके ट्रीटमेंट में बाधाएँ आ रही हैं, आपके पोस्टपोन होते जा रहे हैं, तो अवश्य स्क्रीन पर दिए नंबर्स पर फ़ोन करके जीवा फर्टिलिटी सेंटर आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, ज़रूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।